मायावती के बड़े बयान से सभी में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के बाद दलितों अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में दलित किसान को जलाकर कथित हत्या, डॉक्टरों की कल हड़ताल दौरान लोहिया अस्पताल में उत्पाद, वास्तव में ज्यादती की इस श्रृंखला की ताजा कड़ी है जो लोकसभा चुनाव के बाद दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में डॉक्टरों की हड़ताल के बारे में कहा कि इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित देश भर में करोड़ों मरीजों का जो बुरा हाल हुआ है और उनकी खबरों पर आज के अखबार भरे पड़े हैं, लेकिन इन बेगुनाह लोगों को परवाह सरकार तथा कोई और क्यों करे। देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है और बहुजन समाज के लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकारों का रवैया अपने मनमाने तरीके से चल रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।